अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? से ठीक है, तगड़े। क्या नाम है आपका? नाम समान। क्या? मराइदीन। मराइदीन, तो मराइदीन तुसा केस इलाके तो जे सरकपुर से। कितो? सरकपुर। शरकपुर तो? शरकपुर शरीफ। अच्छा, तो मराइदीन कब से हैं आप इधर? 10 साल से। 10 साल वापस नहीं फिर गए शरकपुर? क्यों क्यों नहीं गए? लड़के आए सो करो। हाँ जी करो, माँ प्यो नहीं है। माँ प्यो नहीं है, भाई है ने? तो फिर कोई भी नहीं हूँ शरकपुर रह गया? रिश्तेदारों जो कोई नहीं, चाचा ताया को मामा कोई नहीं? तो फिर इतने गुजार रहे हो टाइम, इतने सौंदे हो? लेकिन मैंने आपको देखा नहीं पहले इधर, आपने जगह फिर चेंज की होगी, पहले कहाँ सोते थे? मेरी नज़र से नहीं आप गुजरे। अंदर हो सकता है, ये फुटपाथ के लोग इधर ही हैं, यहाँ के लोग कहीं नहीं गए। ये चाचा साहिब वाल वाले हों या शरकपुर शरीफ के पास ही हों, इधर यहाँ बदला कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर, किस इलाके से आप? दीपालपुर। दीपालपुर से? तो कब से हैं इधर? 2 हफ्ते हो चल रहे। लड़के आए हो? नहीं, 10 के आए। क्यों आए हो फिर? काम कार ले आए हैं। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं। सोते किधर हो? इतने ही पा ये सोसू जाएगा। नशा तो नहीं करते हो? नहीं पा। पक्की बात है? नहीं पा। मशकूक लग रहा है नशे के मामले में। सिगरेट पीते हो? तो खाना वगैरह इधर से खा लेते हो? कितना कमा लेते हो? दिहाड़ी मेहनत मजदूरी पाई जड़ी लाभ जो कर ले दी है जो दे चढ़ा। तो पीछे भेजते हो पैसे वगैरह? हाँ जी, जा कार जो जाए पाई दे रही। तो है फोन नंबर रबते में हो? हाँ जी। उनको पता है आप इधर हो? हाँ जी। पक्की बात है? किसको पता है? माँ प्यो को पता है। पता है? हाँ जी। और भाई कितने हैं? दो भाई हैं। तो आपको 2 हफ्ते हुए इधर आए हुए? हाँ जी। इससे पहले आप उधर ही रहते थे? हाँ जी। तो इधर आके सोते आप किधर हो? वैसे इधर पाई लगे फ्री सोसू जाएगा बजरी। कहाँ सराह में सोते हो? कहाँ सोते हो? सराह में। कितने पैसे लेते हैं सराह वाले? सराह वाले तो 50 रुपये लाते हैं। सौंते मगर सौंते ही नहीं पा जी ऐसे सराह। तुम बाहर सौंते हो? हाँ जी, बाहर ही सौ जी। बाहर ही सौ जाते हो फुटपाथ पे? ये देखें जी, और वो जो मुसाफिर खाने हैं वहाँ इनको ले जाने वाला कोई नहीं। इनमें से कुछ ऐसे अफराद भी होंगे जो शायद नशा नहीं करते और उनको वहाँ रखा भी जा सकता है, क्योंकि नशे के आदि अफराद को तो फौरी तौर पर रिहेबिलिटेशन। ये देखें अम्मा जो है, ये इधर पक्का इनका डेरा है, ये नहीं गई मुसाफिर खाने, ना कोई लेके गया वहाँ, लेडीज़ अलाउ ही नहीं है, तो लिहाजा इनका डेरा इधर ही है। ये मानता हूँ शहर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले पहर परिंदों ने पास के दरख्तों पर शोर क्यों मचाया था? ये सूरत हाल यहाँ बनी पड़ी है। और ये बिस्तर देखें, बहुत सारे लोग कैमरे की आंख में आना पसंद नहीं करते और वो चले जाते हैं यहाँ से। ये आप देखें सूरत हाल यहाँ की। इस सारी सूरत हाल में लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं है, और लोगों की बेयकीनियाँ और उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। ये बाजी हमारे साथ बैठी हैं जी। भाई सलाम अलैकुम। मेरी बहन, क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। अच्छा बाजी, मुझे ये बताएं कि आप कब से इधर? भाई मैं पे वैसे आई हूँ दरबार पे। बाजी दरबार पे आयो? हाँ जी। किस इलाके दे हो? असी सांदे दे। सांदे दे? लाहौर तो ही? हाँ जी। ते तुसा एक कपड़े वगैरह दा काम कर दे हो? नहीं नहीं, है वैसे ही परदेसी बंदे है के पापू लई देन गरीब है के। अच्छा अच्छा। ते सोंदे सोंदे किथे हो? कार किथे है? सांदे ही? हाँ जी। ते माड़े हालात ने? हाँ जी। बच्चे है जे? हाँ जी। किन्ने बच्चे? मेरे 2 बेटे ने, 3 बेटियां। ते की करदे ने बच्चे बाजी? एक मेरा बच्चा कराची ही गए। किन्नी उम्र है उदी? 17-18 साल। खर्चा खुर्चा कर दा? नहीं। क्यों? मेरी भैन दे कोले गए। ते भैन हेल्प कर दी? कोई हेल्प नहीं करदा? ते ताडे मियां की करदे ने? मेरा मियां बीमार है, ऑपरेशन होए ने दे। कान सपाट गई से 6 ऑपरेशन होए ने। उन्होंने सेहत कैसी? सेहत काम नहीं साडा चल रहे अज कल। कार किराए दा जे? हां जी। इथों आनी हैगी मैं, इथों बच्चियां जो का लंगर लुंगर लै जानी हैगी। दादा साहब तो घर लेके जांदे हो खाना? रोज आंदे हो? हां जी। सांदे तो? हां जी। वैगन ते आंदे हो? किदे ते आंदे हो? रश्के ते आईदा।
ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਆਣ 20 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚਿੰਗਚੀ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੜਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੋਏਗੀ? ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਬਸ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਾਲ। ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪ? ਸਵਿਗੀ ਗੈਸ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ। ਯੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ? ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪ ਚਾਚਾ? ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਤੀ ਹੈ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਆਪਕੀ? ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਠੀਕ ਹੈ? ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੈ ਜੀ? ਤੋ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਅੱਛੀ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਛ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ? ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਨੀ ਸਫਾਈ ਸੇ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਤੇ ਹੈ ਮੁਸਕੁਰਾਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਆਪਕਾ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਜਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਸੇ ਆਪ? ਇਧਰ ਕੇ। ਇਧਰ ਕੇ? ਔਰ ਕਬ ਸੇ ਹੈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਪੇ ਆਪ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਮੇਰੇ ਪਾਉਂ ਪੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਤੇ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਯਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਆ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ? ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਆਪਕੋ ਬੁਰਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਕੋ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪ? ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਹੈ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ? ਲੋਡਿੰਗ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? 700-800 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 700-800? ਔਰ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪੈਸੋਂ ਕਾ? ਘਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਕਿਆ ਚਰਸ ਪੀਤਾ? ਚਰਸ ਕਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਤਾ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਚਰਸ? ਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪੀਨੇ ਜੋ ਆ 150 ਦੀ ਲਿਆ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਓ ਕਿ ਏਕ ਦਿਨ ਕੀ ਚਰਸ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਰੀ ਜ਼ਾਤੀ? ਉਹ ਛੋੜ ਦੋ, ਬਸ ਉਹ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਰੇਟ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਕਿਆ ਮਾਲੂਮ, ਆਪਕੋ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਬਤਾਇਆ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਪੁੱਛੋ ਉਸੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਕੋਈ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ? ਬਸ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪ ਜਿਤਨੀ ਬਾਤ ਲੰਮੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਬਤਾਇਆ। ਪੁੱਛੋ ਉਸੇ, ਦੂਸਰੋਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਛੋੜ ਦੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੇ ਤਾ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ, ਯਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ, ਇਸ਼ਕ ਛੋੜਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਆਪ ਜਾਂ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਉਹਨੇ ਛੋੜ ਦਿਆ? ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਤਾਂ ਛੋੜਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਬਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਉਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਨਸੇ ਆਪ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ,
लोहे का काम करता है, कंडे नहीं होते सराज तोलन वाला। नशा मैं करना रज के करना, मैं अपनी बीवी के सारे खर्चे पूरे करना, सहुरिया के बेच रहना, माल है तो सहुरे इज्जत करते, नहीं है तो तुम्हें भी पता ही यार गल का। नशे तो आगे बदनाम हो गए, पाउडर तो आगे बदनाम हो गए। उसने धोखा दी है, उसने धोखा नहीं बेच दिया, मुझे मेरे हालात ही ऐसे हो गए। मैंने बोला जी वो मर्द नहीं होता जो जनानी की कमाई खाए, समय हम ऐसे फुटबॉल क्यों बैठे, हम अपनी इज्जत लेकर बैठे हैं। जी हम होते हैं ना, हमारे थले होंडा भी होता है, मोबाइल भी टच होता है, अच्छे कपड़े भी पहने होते, हम क्या बैठे इसलिए इज्जत बना के बैठे, हमारी इज्जत ही नशे ही जरूर नहीं है, इसलिए क्यों बैठे हैं। जो हम होते हमारे तले भी गाड़ी होती, हमारे साथ भी बहुत कुछ होता। नहीं, हम गरीब जो भी अपनी मेहनत करके खाते, ना चोर ना टिकेट ना जेब तलाश, हाँ नशा करता हूँ मैं, अपनी मेहनत हाथों की कमाई ना करके किया। हाँ उस दिन भी आपको बोला ना 6-7 लाख रुपया मैंने कर्जा देना, इस राह में ही देना, मैं अपनी बीवी को खुश रखा है। बस जो पता है मैं नहीं इसका भार चूसा था, नशा करूँगा या इसका खर्चा चुकाऊँ, इसलिए उन्होंने बोला तू मर्जी से शादी कर ले। 2 साल हो गए ना मैं तलाक दिए ना आई है, ना वो अपने माँ प्यो तो घर आई है, 2 साल हो गए पता ही नहीं है कितने वे, उसलिए बैठा मैं इधर, कभी तो आएगी। प्यार सच्चा हो गया ना। क्या नाम है उनका? उसका नाम हमारा है। हमारा हो सकता है वो आपको सुन रही हो कहीं बैठी? शायद हो सकता है। आप अपना नाम बोलें पूरा, क्या है आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमीन वल्द अब्दरीन। मेरी शक्ल वेखी जे वो टीवी जे वेखेगी ना उन्होंने दुख भी, और उस बंदे को सिर्फ उनके नाम कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मेरी फर्ज करें वो सुन रही है बैठी। सर यही सुन, जे मैं गलतियाँ की हैं ना वो मैं भुगतना हूँ, समझते हो? मैं आज दुख में जो भी है सुख में रोड पर बैठा, सिर्फ उसी के साथ है, अभी भी मेरे दिल में प्यार है, वो शौक से बैठता रोड पर, मेरा घर बार भी है, मेरे बहन भाई है, सारा कुछ ही है, समझ गए? इसलिए आपको बोल रहा है मैं क्या बात करूं आपसे, इसलिए बोला मैं। अगर भाभी हमारी है, मेरा सुन रही है बैठी, तो आप क्या पैगाम देंगे उन्हें? उन्होंने कहना यही सोच रहा हूँ, हाँ प्यार में ना बड़ा कर दी, जो वो उत्थे में है ना सिर्फ वो वजूद उत्थे में, इंसान को प्यार एक बार आता जिंदगी, बार बार नहीं होता। उन्होंने मैं छोटा तो पहले भी किया है, कभी ये ना सोची अपने घर टुट जाऊंगा, भूल जाएगा, ब्याह कर लेंगा, नहीं, उन्होंने यही कहा प्यार एक बार ही होता तो वो ही रहेगा, और इंतजार चे भावें 10 साल बैठा गा डेट च मेरा तैया इतों ही पिछड़े हैं, इतें ही मिलेंगे। भाभी आपको कभी ख्वाब में मिली? नहीं मिले कभी नहीं। बच्चे मेरे मिलते हैं, उन्होंने फौत हो गए, 2 बेटियां ही 2 बेटे, 2 बटे ऑपरेशन वो करके ऐसे रंग च 2 बोतल भी दीतियां उन्होंने, भावें मैं नशा भी करना है ना, मेरा खून गंदा नहीं, तुम्हें पता मेडिकल से हर चीज रिपोर्ट आ जाती, वह कसूर नहीं है, अच्छ दूर है, मेरिया गलतियां तो दूर है, तो मैं ही कहना कभी जिंदगी कभी आ गई और पिछे मैं जे टीका पाउडर छड़ दिता है चरस तो कुछ भी नहीं, बस यही है मेरी बात। आप उनसे कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई एक्सक्यूज करना चाहते हैं? उसको सब कुछ पता है, समझ गए, सिर्फ मैंने ही उसको इतना मजबूर किया है कि मुझे छोड़ दिया। आप अगर वो वापस आ जाएं तो आप फुटपाथ से उठ जाएंगे? मैं इंशाल्लाह क्यों नहीं, मैं फुटबॉल में रहूँ, फुटबॉल में आऊँ तो छोड़ा है, इधर मेरे साथ उसने महीना गुजारा है, मेरी बेटी ही उसको, जो मेरी बेटी फौत हो गई है ना, क्या हूँ कुछ भी नहीं है, इतनी जिंदगी क्यों खराब करा हूँ ना, मैं इन्ना को लड़ना है, मैंने आप ही छड़ दिया, छड़ दिया। आप जानबूझ के लड़ते थे कि छोड़ दे आप? छोड़ दे असली बात को, उसे पता था कि ये जानबूझ के लड़ता है? वो बड़ा कुछ कर दी मेरे पीछे, एक बार उन्होंने खुदकुशी भी की थी नशे की खातर, पर मैं समझ नहीं पाया, इंसान नहीं समझ, यह नशा ऐसा है, अब छड़े आ तो समझ आ गई सारी जिंदगी, असल घर बार ना। आपने अपना जो बड़ा सन्सियर साथी था उसको कुर्बान कर दिया नशे के पीछे? हाँ मैं बोलूँ ये ऐसे हो नहीं, वो मर्द नहीं होता जो बीवी को छोड़ के आके वो गंदी ऐसे हो, गलत बात क्यों, मैंने गलतियाँ की हैं ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंसान को क्या गलती हो ही जाती है, जिंदगी जो मौका एक मिलना चाहिए सुधरन वास्ते, बस इन्नी को गल हो गई। इसका मतलब है कि अगर वो वापस आ जाएगी तो सुधार हो सकता है, जिंदगी बन जाएगी, सुधर सकती है, वो आपको माफ अगर कर दे। माँ प्यो मेरे कोल है, मैं माँ प्यो दे अज इधर देखो, माँ प्यो दे कोल, मैं माँ प्यो दा मेरे कोल है, उन्होंने मैं की कहा? वो आपके पास कैसे है? वो उत्थे किराए ते रहंदे ने मेरे साथ ही, उधर महला है की है ना, उनको भी नहीं पता वो कहाँ गई है, उनको भी नहीं पता वो कहाँ गई, सारा कुछ है, कभी मजबूर नहीं है ना गई उसको,
क्या बताएं आपको, बताएं वो आपको कहने साडा रास्ता ही नहीं आया, आपने कभी मजबूरी नहीं किया, आपको पता है वे मां पियो ना रास्ता नहीं हो सकता, लाजमी होगा, यही बात है उन्होंने, मैं की कह चाहते हैं कि वो मर्जी से वापस आए, मर्जी से आए, जैसे मोहब्बत से आए, हां जेडी 12 साल में ना बसी है ना, मैं ये चाहता हूं वो वापस आ जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह आपकी दुआ पूरी हो, प्यार सच्चा होएगा ना जरूर आएगी सारे, असली सच्चा दिलो प्यार कीता नपाड़ जरूर आ, नपाड़ जरूर आ, हर गल नु समझने, इज्जत ते भाई वाला नशई जरूर आ, नहीं भावे सुनती भी होएगी जरूर गल कहेगी, मेरे बंदे ने कदी अज दिल नहीं तो हाल जी बिच मैं मुंह ना वहावा किसी की दास्तान है जी मियां बीवी की लव स्टोरी आपको बता रहे हैं।